और टीडीएस की जो सरलीकरण की प्रक्रिया है, दो टैक्स छूट की जो अभी सुविधा मिलती है फॉर चैरिटीज आर प्रपोज टू बी मर्ज, अब इन दोनों रिजीम्स को मिला दिया जाएगा जो चैरिटी के लिए टीडीएस रेट ऑन मेनी पेमेंट्स, कई उत्पादों कई पेमेंट्स पर अभी जो 5% लगता है उसको 2% टीडीएस में मिला दिया जाएगा और टीडीएस 20% जो टीडीएस है उसमें भी मिला दिया जाएगा। टीडीएस रेट जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पर लगता है उसको कम किया जा रहा है, 0.1 से घटाकर उसे 0.1% कर रहे हैं। इसके अलावा टीसीएस की का जो कर्ज की प्रक्रिया है सैलरी पर ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा हम जो देरी होती है टीडीएस के पेमेंट पर जो क्रिमिनल होने की प्रक्रिया थी क्रिमिनलाइज करने की उस प्रक्रिया को हम हटा रहे हैं, आपराधिक दायरे से बाहर ला रहे हैं। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी हम लाना चाहते हैं, एसओपी लाना चाहते हैं जो ताकि जो टीडीएस के डिफॉल्ट्स वाले हैं उनके लिए एक सही गाइडलाइन लागू की जा सके। रीअसेसमेंट की प्रक्रिया को हम सफल करना चाहते हैं और यहाँ पर हम प्रस्ताव देते हैं कि रीओपनिंग और रीअसेसमेंट की प्रक्रिया के लिए हम नया प्रस्ताव रख रहे हैं, कैन बी रीओपन्ड Beyond 3 years, 3 साल के बाद इसे शुरू किया जा सकेगा। Only if the escape, ये सिर्फ इसी हालत में होगा कि ये 50 लाख या उससे ज्यादा होता है। Maximum period of 5 years, अधिकतम 5 साल तक इस सुविधा का ये फायदा उठाया जा सकता है। इन टाइम लिमिट इन केसेस में भी 6 साल की सीमा जरूर होगी। Against the existing time limit of 10 years is being proposed. This will reduce इस कदम से टैक्स को लेकर जो अनिश्चितता होती है वो कम होगा और विवाद कम होंगे। इसके अलावा सरलीकरण और कैपिटल गेन को हम तार्किक बनाना चाहते हैं। कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन इसको बहुत सरलीकृत करने की हमारी तैयारी है। शॉर्ट टर्म गेन्स की अगर बात की जाए तो कुछ जो वित्तीय जो आपके एसेट होते हैं उसमें 20% का टैक्स लगेगा। ऑल अदर फाइनेंशियल एसेट्स And जितने भी आपके दूसरे वित्तीय असेट होते हैं उस पर यही एप्लीकेशन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स की अगर बात की जाए जितने भी वित्तीय और गैर वित्तीय होते हैं संपदा होती है उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर निचले और मध्यम